संडे स्पेशल्स में आज हम बना रहे हैं इजी टी टाइम स्नैक रेसिपी ब्रेड स्टिक्स, वो भी तीन डिफरेंट तरीके से। सबसे पहले हमें यीस्ट को एक्टिवेट करना है, तो मैंने लिया है 1/3 कप ऑफ वार्म मिल्क, 1/2 टीस्पून ऑफ शुगर, 1/2 टीस्पून ऑफ एक्टिव ड्राई यीस्ट। इसे लाइट सा मिक्स देंगे और अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए प्रूव होने के लिए छोड़ देंगे। यीस्ट एक्टिवेट हो चुका है, इस स्टेज पे मैं डालूंगी 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, सॉल्ट। अब हम इन सबको मिक्स करते हुए डो बना लेंगे। काउंटर पर डस्ट करेंगे थोड़ा सा मैदा और इस डो को अब हम 2-3 मिनट तक अच्छे से गूंद लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। डो रेडी है और अब हम इसके 3 पोर्शंस करेंगे। पहले पोर्शन को हम प्लेन रखेंगे ताकि हम इसकी प्लेन ब्रेड स्टिक्स बना सकें। दूसरे पोर्शन में हम डालेंगे जीरा और तीसरे पोर्शन में हम डालेंगे ओरिगैनो। जीरा ब्रेड स्टिक्स के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून जीरा और अब हम इसको ऐसे रफली मिक्स कर देंगे। अब हम डस्ट करेंगे थोड़ा सा मैदा और इसे बेलन की मदद से बेलेंगे। जितना मोटा हम पराठा बनाते हैं हमें इसे उतना ही मोटा बेलना है। अब हम पिज्जा कटर की मदद से इसके स्ट्राइप्स कट कर लेंगे। अब हम इसे ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे और इसे बेकिंग ट्रे पे रख देंगे जिस पर मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया हुआ है। आप पिज्जा कटर की मदद से इनको इक्वल शेप दे सकते हो। दूसरे पोर्शन में मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ओरिगैनो। इसे भी हम ऐसे ही रफली मिक्स कर लेंगे। ओरिगैनो ब्रेड स्टिक्स के लिए हम ऐसे छोटे बॉल्स कर लेंगे और अब हम इसे हल्के हाथ से ऐसे रोल करेंगे। इसे भी हम बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। प्लेन ब्रेड स्टिक्स के लिए भी हम ऐसे छोटे बॉल्स कर लेंगे। इसे भी हम ऐसे हल्के हाथ से रोल करेंगे और इसे भी हम ट्रे पे ऐसे रख देंगे। अब हम इसके ऊपर करेंगे मिल्क वॉश। इसे बेक करेंगे एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 20 मिनट्स। ब्रेड स्टिक्स आर रेडी टू सर्व। इन्हें आप डिप के साथ खा सकते हो, चाय या कॉफी के साथ खा सकते हो या फिर सूप के साथ, सूप स्टिक के जैसे भी ले सकते हो। ये एक इजी स्नैक रेसिपी है जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। सो डू ट्राई दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।